हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और आज हम आज के मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच होने वाले मैच की ड्रीम इलेवन टीम देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स आज के मैच में खेल सकते हैं। सनराइजर्स की बात करें तो सनराइजर्स में भुवनेश्वर कुमार फिट हो चुके हैं पूरी तरह से और उनके खेलने के चांसेस आज काफ़ी ज़्यादा है। उनके कैप्टन विलियमसन ने भी कहा था कि वो मैच से पहले तक फिट हो जाएंगे, तो 95% चांसेस हैं कि वो आज का मैच खेलें। और अगर वो खेलते हैं तो बेसिल थम्पी या संदीप शर्मा में से एक ड्रॉप होगा। संदीप के ज़्यादा चांसेस है ड्रॉप होने के, क्योंकि थम्पी डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर अच्छी करते हैं पेस के साथ। तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर संदीप शर्मा की जगह खेलेंगे। जो टॉप प्लेयर्स हैं सनराइजर्स के वो हैं केन विलियमसन, शिखर धवन, रशीद खान, शाकिब अल हसन, सिद्धार्थ कौल, मनीष पांडे, एलेक्स हेल्स और भुवनेश्वर कुमार। और जो संभावित 11 प्लेयर्स हैं वो हैं शिखर धवन, एलेक्स हेल्स, केन विलियमसन, मनीष पांडे, शाकिब अल हसन, यूसुफ पठान, रिद्धिमान साहा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार या संदीप शर्मा में से एक, बेसिल थम्पी और सिद्धार्थ कौल। दिल्ली की बात करें तो क्रिस मॉरिस की बात करें तो वो इंजर्ड है और वो पूरे ही IPL से बाहर हो चुके हैं, वो अब और कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो अपनी जो पिछली विनिंग टीम है पिछले मैच में जो जीती थी वही दोबारा से उतारें। अगर एक दो चेंजेज होंगे तो वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल, जो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, तो वो लास्ट डे उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की नेट पे, तो उनके थोड़े से चांसेस है कि वो बाहर हो जाएं। लेकिन ये एक बड़े प्लेयर हैं और मेरे हिसाब से दिल्ली इनको चाहेगी कि अच्छी फॉर्म में वापस आएं और मैच विनिंग पारी खेले उनके लिए, तो इनके चांसेस काफ़ी कम है। तो इनको आप पिक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है वैसे ही, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं कभी भी चल सकते हैं। लियम प्लंकेट 2-3 मैचेज में ख़राब खेले हैं, शुरू के पहले 1-2 मैचेज में काफ़ी अच्छी इन्होंने गेंदबाजी की थी, लेकिन लास्ट के 2 मैचेज में काफ़ी ख़राब गेंदबाजी की है इन्होंने, तो इनके चांसेज है थोड़े ड्रॉप होने के। अगर इनको ड्रॉप करते हैं तो डैन क्रिश्चियन या जूनियर डाला इनकी जगह लेंगे। जूनियर डाला काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, फास्ट करते हैं, तो इनके भी चांसेज हैं। चल, इन तीनों में ही मेरे हिसाब से कोई भी खेल सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरे हिसाब से लियम प्लंकेट को एक और चांस मिलेगा और राहुल तेवतिया शाहबाज नदीम को रिप्लेस कर सकते हैं। नदीम पिछले मैच में इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन मेरे हिसाब से विनिंग टीम के साथ ही जाएं वो, तो राहुल तेवतिया के भी कम चांसेस हैं। और जो टॉप प्लेयर्स हैं दिल्ली के वो हैं श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ट्रेंट बोल्ट, पृथ्वी शॉ, ग्लेन मैक्सवेल, अमित मिश्रा और कोलिन मुनरो। और जो संभावित 11 प्लेयर्स हैं वो हैं पृथ्वी शॉ, कोलिन मुनरो, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ग्लेन मैक्सवेल, विजय शंकर, लियम प्लंकेट, अमित मिश्रा, शाहबाज नदीम, एवेश खान और ट्रेंट बोल्ट। और जो विकेट कीपर है दोस्तों, वो उसमें रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं वैसे तो, लेकिन रिद्धिमान साहा इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, एक भी मैच में वो नहीं चले, तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को लेना ठीक रहेगा। ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने विनिंग पारी खेली थी, तो आप ऋषभ पंत को लीजिए अगर एक ही टीम में जा रहे हैं तो, सिंगल टीम में, और मल्टीपल टीम्स के साथ जा रहे हैं तो एक आध टीम में साहा को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये वैसे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है ये। और जो कैप्टन और वॉइस कैप्टन है उनमें केन विलियमसन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, कोलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स, शिखर धवन, ग्लेन मैक्सवेल, शाकिब अल हसन और रशीद खान। तो दोस्तों, इनमें जो ऊपर के 4 प्लेयर्स हैं ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं, लगातार रन बना रहे हैं, और बीच के जो 3 प्लेयर्स हैं कोलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स और शिखर धवन, ये तीनों ही ऑन ऑफ चल रहे हैं, एक आध मैच में चल रहे हैं, बाकी फिर फ्लॉप हो जाते हैं, तो इन पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है मुझे। लेकिन वैसे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं तीनों ही। एलेक्स हेल्स को ले सकते हैं, पिछले 2 मैचेज में खेले हैं ये। कोलिन मुनरो भी एक मैच में चले थे, फिर से फ्लॉप हो गए। वैसे सारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, आप इनमें से ले सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, शाकिब अल हसन, ये दोनों ऑलराउंडर हैं, शाकिब काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं मैक्सवेल को, ये बड़े प्लेयर्स हैं, अगर चल गए तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और रशीद खान बॉलर है और ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप इनको भी कैप्टन या वॉइस कैप्टन बना सकते हैं। तो अगर आप सिंगल टीम के साथ जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से केन विलियमसन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ, इन 4 या 5 प्लेयर्स में से ले सकते हैं किसी को भी। अगर मल्टीपल टीम्स के साथ जा रहे हैं तो ये सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, इनमें से आप जो चाहे जो लगे आपको कि चल सकता है उसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के मैच की टीम न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना ना भूलें, और
अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।